Friends, welcome to Pens and Glasses. Today we are going to make mocktail from lychee waste. Lychee, as you know, is a symbol of romance, beauty and good luck. The fruit basically comes from southeast province of China known as Gonyang and Fujian. Document says that the cultivation was from 11th century before that also there are some evidence which shows that lychee was grown in this area. Today we find lychee not only from eastern part of China but also from India and other Southeast Asian countries. Lychee is not only a delicious watery fruit but also good in vitamin C, D. It glows your skin and gives the all benefit of vitamin C and D. Friends, if we speak about cherries, cherries are the delicious fruit comes from the country Turkey, from the city called Sirasis in Turkey, and from that only the name comes the cherry. The origin of the cherry, अगर जो हम origin की बात करें तो ये बहुत ही पुराना फ्रूट है, हिस्टोरिक से भी पुराना फ्रूट है, जो कि कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच वाले जो रीजन है वहाँ से पाया जाता था। और ये ग्रीक ऑथर उन्होंने बताया कि ये करीबन 300 BC से पहले ही भी इनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है और ये वहाँ से लेके आज तक फ्रूट अलग अलग कंट्री में पहुँचा है और एशिया से लेके अमेरिका तक हर एक जगह पे चेरी ग्रो होती है, यूरोप में ग्रो होती है और आज वर्ल्ड वाइड चेरी यूज़ की जाती है। चेरीज दो प्रकार की होती है, स्वीट चेरीज होती है और सार चेरीज होती है, और इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी बहुत है। जैसे चेरीज फुल ऑफ विटामिन ए, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम एंड इट हैज़ अ गुड बेनिफिट ऑन योर हेल्थ। सो टुडे वी आर यूजिंग बोथ द गुड इन्ग्रीडियंट्स दैट इज cherry and lychee to make our mocktails. Definitely you will enjoy it. So let's begin. आज का हमारा जो ये जो फर्स्ट मॉकटेल है वो है चेरी लीची मॉकटेल। ये बहुत ही लाजवाब मॉकटेल है और दो मेरे फेवरेट फ्रूट चेरी और लीची में से बनाया जाता है। लीची इंडिया में बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है लीची का, और चेरी इंडिया में यही सीजन में हमें नॉर्थ में से मिलती है, हिमाचल में से मिलती है। सो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, और जैसे ही हमारा ये जो जितने भी मॉकटेल्स है, मेरी कोशिश यही रहती है कि सीजनल फ्रूट यूज़ करें जो कि इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, और उसमें से एक बढ़िया सा मॉकटेल बनाते हैं। तो ये मॉकटेल बनाने के लिए हमें तीन चार चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि ये लीची सिरप है, मैंने लीची को उबाला है सिंपल सिरप के साथ और फिर उसको ब्लेंड करके ये उसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर जो आपको ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लीची भी मडल कर सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड लीची जूस जो मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लीची जूस है, उसके साथ मैं इसमें लाइम यूज़ करने वाला हूँ, तो ये लाइम जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसमें ये जो आप देख सकते हैं मेरी चेरीज है, मैं चेरीज को जूस या उसका सिरप नहीं यूज़ करने वाला हूँ, बल्कि फ्रेश चेरीज इसमें डालूंगा और उसको मडल करूंगा और उसका जो एक फ्लेवर होगा वो लीची के साथ अच्छी तरह ब्लेंड होगा। सो हम फ्रेश चेरीज इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं हमारा आज का ये फर्स्ट ड्रिंक। चेरीज हम ले रहे हैं और चेरीज को सबसे पहले मडल करने के लिए मैं उसे उसकी डंडियाँ निकाल के ग्लास में डाल रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह से मडल कर सकें। एक ध्यान रखना है कि आप जब भी उसको प्रेस मडल करोगे तो उसको एकदम चटनी नहीं बनाना है, हल्का उसे प्रेस करना है, जस्ट उसके बीज अलग से निकल जाए उतना प्रेस करना है। ये करीबन मैंने 9 से 10 चेरी मेरी ली हुई है, और उसके साथ मैं लाइम जूस यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो हम लाइम को मडल करते हैं तो उसकी जो स्किन रहती है उसमें से जो ऑयल आता है उसका एक अपना अलग से फ्लेवर रहता है और वो बहुत अच्छा भी लगता है। तो पहले मैं चेरी मडल करूँगा, उसके बाद लाइम डाल के थोड़ा सा मडल करूँगा, यानी मेरा फ्लेवर और एनहांस हो। ये हमारा मडलर है, आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली ये चेरी, और चेरी इसमें दूसरी बात, चेरी आपको जो लेनी है वो आपको पकी हुई चेरी लेनी है ताकि वो अच्छी तरह से
स्क्वीज हो सके, उसका जूस अच्छी तरह से हम निकाल सके। और फिर आपको उसके साथ एक ही चीज़ करनी है कि आप इसकी जो सीड्स है वो आप एक स्पून से अलग से उसको ये कर सकते हैं, आप बेसिकली उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब भी फ्लेवर फ्रेश चीज़ का आता है तो अपना एक अलग ही फ्लेवर रहता है, उसका मज़ा भी एक अलग ही रहता है। तो आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट हमारी सब चेरी क्रश हो चुकी है और उसके सीड्स हमने अलग कर दिए। अभी मडलर को साइड में रख के ये स्पून से मैं उसकी सीड्स निकाल रहा हूँ। ये हमारी अभी सब सीड्स इसमें से निकल गई है। अभी जैसे मैंने बताया, मैं इसमें एक छोटा सा पीस लाइम ले रहा हूँ, उसको भी इसी के साथ थोड़ा सा हल्के हाथों से मडल कर दूंगा, यानी उसका भी जो जूस है वो इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। सो ये लाइम जूस, लाइम भी मैंने इसमें मडल कर दिया है। अब हम हमारा मॉकटेल बिल्ड करना चालू करेंगे। मॉकटेल के लिए सबसे पहले मैंने हाफ लाइम का ये जो जूस निकाला हुआ है वो इसके अंदर मैं पोर कर दूंगा। अभी ये मेरा लीची जूस है, तो उसके लिए लीची जूस को मैं एक स्टर कर रहा हूँ ताकि इवनली वो मिक्स हो जाए, सेटल हो जाए। ये लीची जूस मेरा मिक्स हो गया, अभी मैं उसके अंदर ये लीची जूस मिक्स कर रहा हूँ। और लीची जूस मिक्स करने के बाद ये मैंने, आप देख सकते हैं, स्पेशल आइस बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑलरेडी चेरीज फ्रॉस्ट की हुई है। ये गार्निश के लिए भी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, आप चेरी खा भी सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं कुछ क्यूब्स ये ऑलरेडी फ्रोजन चेरी आइस क्यूब्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ, करीबन 5 से 6 क्यूब्स यूज़ करूँगा, ठंडा होने के लिए अच्छा लगता है। सीजन बार ह्यूमिड और हॉट है तो अच्छा जाएगा। तो ये मेरा सीधा गार्निश करने के लिए आइस यूज़ हो गया है। थोड़ा सा वापस एक बार मैं उसे स्टर करूँगा ताकि ये ड्रिंक पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लीची में जो चेरी हमने मडल की थी उसका फ्लेवर भी आ जाए और लाइम जूस भी उसमें बरोबर मिक्स हो जाए। आप नीचे देख सकते हैं उसका कलर कैसे बढ़िया बिल्ट हुआ है। सो चेरी सेटल्ड है, आइस है, लेमन फ्लोट करके आ रहा है। सो ब्यूटिफुल सीजन्स फ्रेश लीची चेरी मॉकटेल, हमारा फर्स्ट ड्रिंक। चीयर्स फ्रेंड्स। बिगिनिंग विथ सेकेंड ड्रिंक नोजीतो। जैसे मोहितो होता है उसी तरह ये नोजीतो है। उसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी सिरप है, लीची सिरप अगेन। जैसे ही इसका मोहितो में से ये बना हुआ था तो उसी के लिए मिंट और लाइम, उसको टॉप अप हम 7-Up से करेंगे और आइस है ही है, विदाउट आइस हो नहीं सकता। तो बहुत ही सिंपल ड्रिंक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं ये जो हमारा जार है वो लेने वाला हूँ और ये सिरप लेने वाला हूँ, स्ट्रॉबेरी सिरप इसके अंदर मैं पोर कर देता हूँ। ये मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, आप आपकी कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और इसे मैं अभी स्लोली स्लोली इस तरह से ग्लास के बॉटम को, मैं जार के बॉटम को सॉरी, मैं कोट कर रहा हूँ। ये कोट हो गया मेरा, आप देख सकते हैं एक लाइन आ गई है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। सबसे पहले ड्रिंक बिल्ड करने के लिए शेकर के अंदर ये मैं मिंट मैंने ली है, 2 पीस लाइम लिया हुआ है, मडलर है, इसे हम इस तरह से आप देख सकते हैं मडल कर रहे हैं। सो हल्के हाथ से आपको इसे मडल करना है ताकि मिंट और लाइम का फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर आ जाए। सो ये मडल किया है। अब मडल करने के बाद इसके अंदर हमें ऐड करना है, ये हमारा लीची सिरप है। सो हम इसमें से ये लीची सिरप, करीबन मैं इसमें 80 ml लीची सिरप ले रहा हूँ। सो ये सिरप मेरा हो गया है,
अब उसके अंदर मैं आइस डाल रहा हूँ। आइस आपको जितना चाहिए, मैं टॉप करूँगा आइस से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो ये मैं आइस डाल रहा हूँ। अभी इसे हमें प्रॉपरली मिक्स करना है। सो ये हमने मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं लवली फिज। अब हम इसके अंदर ये हमारा मिक्सचर जो है स्लोली स्लोली पोर करेंगे। और सेवन अप है, अब ग्लास को सेवन अप से आपको टॉप कर देना है, क्योंकि बिना फिज के ये ड्रिंक में मजा नहीं आएगा। सो इट्स अ फिजी ड्रिंक एंड यू कैन सी लवली फिज कमिंग ऑन टॉप विथ थ्री लेयर्स। आप ध्यान से देख सकते हैं, बॉटम में स्ट्रॉबेरी है, सेंटर में लीची है एंड टॉप फिज विथ सेवन अप। सो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और अपने आप देख सकते हैं हमारी मडल की हुई मिंट जो कि अभी ऊपर आ गई है, तो उसके लिए एडिशनल गार्निश की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये ड्रिंक को हमारी स्ट्रॉ अंदर जाएगी और फिर रूटीन चेस। फ्रेंड्स, हम अब बनाने जा रहे हैं हमारा ये ड्रिंक ग्रेप लीची नेक्टर। ये भी बहुत सिंपल ड्रिंक है। आज जितनी भी रेसिपी बताई है मैंने बहुत फास्ट और बहुत इजी बताई है। तो उसके लिए हम लेने वाले हैं ये हमारे रेड ग्रेप। उसके साथ ये ऑलरेडी ग्रेप सिरप मेरे पास है, वो यूज कर रहा हूँ, ग्रेप सिरप। लाइम जूस, लीची जूस, और ये मैंने स्पेशल आइस बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें ग्रेप को क्रश करके मैंने डाला हुआ है, तो ग्रेप फ्लेवर्ड आइस है। इससे हम गार्निश करने वाले हैं। सो बहुत ही सिंपल बिल्टअप ड्रिंक है। और उसके लिए थोड़ा सा फ्लेवर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था एनहांस करने के लिए, ये मैं ग्रेप ले रहा हूँ, मैं दो ग्रेप ले रहा हूँ। उसको हल्का सा मैं मल करूँगा फ्रेश फ्लेवर के लिए, हल्का सा। आपको इसी तरह उसका मल करना, आप देख सकते हैं कि उसका जूस निकल चुका है। सो जस्ट ये मैंने मल किया है। अब उसके बाद ये जो सिरप है, मैं ये इसमें से 30 ml यूज़ करूँगा, ये ज़्यादा है। सो मैं 30 ml सिरप यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये 30 ml है। ये हाफ लाइम है, उसका जूस निकाला हुआ मैंने, सो हाफ लाइम जूस है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा लीची जूस है, जो कि यूज़ करने से पहले एक बार मैं उसे स्टर कर लूँगा ताकि इवनली सेटल हो जाए। सो ये जो जूस है मैं इसको इसके अंदर स्लोली स्लोली पोर करूँगा, थोड़ा सा टेल करके पोर करूँगा ताकि उसका जो लेयरिंग है और कलर है वो मेंटेन रहे। सो ये मेरा ऑलमोस्ट 100 ml जूस चला गया। और अभी ये ग्लास को मैं आइस से टॉप करूंगा। ये मेरा आइस अंदर जा रहा है, देख सकते हैं आप, बढ़िया पहले से मैंने सेट करके रखा हुआ है। सो आइस इसके अंदर जाएगा, समर है और ये आइस हो गया। और अभी ये साथी स्टिक पे मैंने गार्निश के लिए इसे रखा हुआ है। सो ये मेरी स्टिक इसके अंदर ऐसे जाएगी। और बहुत ही आसान, दो मिनट में तैयार होने वाला ड्रिंक। ये आप घर पे गेस्ट वगैरह पार्टी में आते हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। रिफ्रेशिंग है, विटामिन सी से भरपूर है, ये सीजन में कहा जाता है विटामिन सी। तो इसमें लाइम है, ग्रेप में ऑटोनेटिक उसकी सारनेस रहती है। सो हेल्दी ड्रिंक, बेस्ट इन दिस सीजन। Enjoy your drink. Cheers.
and thanks for watching.